हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आरजी इंडिया का आप लोग को बहुत बड़ा सलाम दोस्तों, मतलब हैट्स ऑफ दोस्तों। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज मैं आरजी इंडिया आपको एक कुछ खाने का क्या कहते हैं डिश दिखाऊंगा, बनाना नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको बताता हूँ। आज मेरी मैडम जी ने कुछ नया ट्राई किया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह उन्होंने सब्जी क्या कहते हैं बनाई है, और उसका आपको हम वीडियो डाल देंगे दोस्तों कि कैसे उन्होंने बनाया है। बड़ा टेस्टी लग रहा है दोस्तों, दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत, लाइन पर रहिएगा दोस्तों। आपको हम दिखाते हैं कि क्या बनाया है और कैसे बनाया है, वो सारा डिश दिखाएंगे दोस्तों। पसंद आए तो एक बार आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और कमेंट में बताइए तो हम आपको इस तरीके के और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। बहुत अच्छा अच्छा सामान बनाती है तो उसका सारा वीडियो बनाएंगे, मेकिंग भी आपको दिखाएंगे कि कितने इजी वे में क्या कहते हैं घर के छोटे छोटे सामानों से क्या कहते हैं बहुत अच्छा चीज़ बना लेती है। तो दोस्तों ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब करिएगा हमारी मैडम के लिए जो हम लोग को इतना वेराइटी खिलाती है, और कमेंट में बताइए कि आप लोगों की मैडम क्या कहते हैं आप लोग को खिलाती कि नहीं खिलाती अच्छे से, और खिलाती ही होंगी दोस्तों। हर औरत एक गुणी औरत होती है, हर बीवियाँ गुणी औरत होती हैं, तो वो लोग भी आता है, अगर उनको नहीं भी आता तो वो लोग अपने पति के लिए सीख लेती है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट करिएगा, और जो लोग अगर नहीं बना पाते हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है यूट्यूब पे, उस पर कॉल कर लीजिएगा तो अपनी मैडम से बता देंगे तो मैडम आपको बता भी देगी कि कैसे बनता है दोस्तों। एक सोशल हम लोग का नेटवर्किंग हो जाएगी दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ढेर सारा करिएगा दोस्तों। हे गाइस, तो ये देखिए, मैं एक सोयाबीन मतलब घर में सब्जी थे नहीं थे, बस आलू के सब्जी खा खा के मैं बोर हो गई, तो मैं सोची, साउंड कम कर दीजिए मम्मी थोड़ा, तो मैं सोची क्यों ना मैं सोयाबीन की सब्जी बनाए। तो घर में सोयाबीन भी पड़े थे, मैदे, इसमें मैं मैदे डाली हूँ, और फिर ये शिमला मिर्च और प्याज, इसे मैं भूंज लूँगी हल्के से पहले, और टमाटर भी है, और अदरक लहसुन खड़ा मसाला जो भी होता है उसे डाल के मैं लहसुन अदरक गोलकी जीरा मिर्च लाल मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना ली, और ये रही मेरी सोयाबीन की सब्जी जो मैं मतलब इसमें मैं क्या क्या ऊपर से डालूँगी वो आप लोग देखिए। मेरी वीडियो बंद थी और मैं दिखाना भूल गई, तो मैं ये सारे पाउडर में थोड़े थोड़े इसमें डाल दी, इसमें थोड़ा सा मैं ये लाल मिर्च की पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये मिक्स मसाला, ये गोलकी पाउडर मैं नहीं डाल रही क्योंकि मसाले में पिसी हुई है, और इसमें मैदे है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला, और हल्दी और नमक और मैदा, नमक मैं नहीं डाली थी अभी डालती हूँ। तो ये रहे मेरे नमक, और सोयाबीन को ना गर्म पानी में नहीं उबालनी है, इसे आप ठंडे पानी में थोड़ा सा थोड़ी देर रहने दे और फिर उसे निचोड़ के और निकाल दे, क्योंकि गर्म पानी से ज़्यादा वो बहुत ही गीले हो जाते हैं। तो मैं इसे अब मिक्स करके मैं तलूँगी तो मैं दिखाती हूँ आप लोग। बिल्कुल देखिए, इस तरह से मैं इसे मिला ली बहुत अच्छी तरीके से, मैं इसे ऐसे करके, आप लोग भी ऐसे करके इसे मिला लिया करिएगा। ये मिल गए, और मैं अभी गैस स्टार्ट करती हूँ, और रिफाइन ऑयल को मैं इस तरह से गर्म होने दी, लगता है कम पड़ गया क्या, इससे निकल नहीं रहा था इसलिए धीरे धीरे मैं निकाली, मेरे को लग रहा है कि कम पड़ गई है। तो आप लोग इस तरह से रिफाइन ऑयल को थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा हल्का गर्म होने दीजिए, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए गाइस, और बेल आइकन के बटन ज़रूर क्लिक करिए, आपको इससे हर दिन एक अच्छे और नए ब्लॉग देखने मिलेंगे। आप लोग जिस तरह से मतलब खाने की रेसिपी, मेकअप की रेसिपी, घूमने फिरने के मतलब सॉरी मेकअप ट्यूटोरियल के, या फिर खाने की रेसिपी, या फिर घूमने के, आप लोग जैसे वीडियो देखना चाहेंगे मैं डालूँगी,
तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन के बटन ज़रूर क्लिक करिए, इससे आपको हर दिन एक अच्छे नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए। तो मैं अभी इसे तल लेती हूँ। ये देखिए मैं इसे डाल दी, और ये इस तरह से मैं तल के दिखाती हूँ गाइस, जो कि बहुत एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। बाहर में सब्जी वाले चिल्ला रहे थे, इसे इग्नोर करिए। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से मैं रोस्ट करती, एकदम खार करके, मतलब तो डालने के बाद ऑटोमेटिक एकदम खर हो जाएगी, बहुत ही यम्मी। आप याद रखिएगा, इसमें नमक पहले से आप लोग, मतलब मैं तो डाल दी थी, तो सब्ज़ी में हल्का कम करके नमक डालिएगा। तो ये मैं इसे फ्राई कर ली, अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, अब मैं इसे फ्राई करूँगी। इसे फ्राई करने के बाद तब मैं मसाला को फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, और ये देखिए गाइस, मैं अब इसे फ्राई कर रही हूँ, मैं उसी ऑयल में इसे फ्राई कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, मैं शिमला मिर्च प्याज को रोस्ट कर ली, दही, और ये तो आप समझ ही रहे हैं, और ये मैं मसाला को फ्राई कर रही हूँ। जितने मसाला मैं पीसी थी, और थोड़े थोड़े गुड़े मसाले भी डाल दिए, टमाटर भी डाल दी, दही भी डाल दूँगी। इस तरह से पूरा रेड करके मैं इसे फ्राई करके मैं दिखाती हूँ, फाइनल डिश दिखाती हूँ। यहाँ तक मैं दिखा दी इसे पूरा। ये देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, फिर मैं थोड़ी देर में दही डाल दूँगी। तो ये देखिए, मैं इसमें शिमला मिर्च प्याज जो रोस्ट करके रखी थी, दही सारे को मिला के मैं मिक्स करके फ्राई कर रही हूँ। मैं इसे अभी नहीं थोड़ी देर में डालती हूँ, इसे पूरे अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ, फिर डालूँगी। तो ये देखिए गाइस, मेरी सब्जी बनके बिल्कुल ही सोयाबीन की, अगर घर में सब्जी ना रहे तो इस तरह से आप सोयाबीन की सब्जी, मैं पूरी अच्छी तरह से रेसिपी आपको दिखाई हूँ। तो बस हल्का सा पानी इसमें डाल के उबालना है, बस रेडी, इस तरह से रहने देना है। ये देखिए, आप इसमें अपने हिसाब से और भी कुछ मसाला डाल सकते हैं, या फिर मसाला फ्राई करते समय, मैं उतना मसाला नहीं डाली जितना दिखाई, मैं बस उतना ही डाली, और पराठे या पूड़ी के साथ इसे खाइए आराम से। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं खाने में दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, इसने सब्ज़ी बनाई है, और बहुत टेस्टी है ना, मतलब इसने फर्स्ट बार ट्राई किया खूब बढ़िया बनाने का, कुछ नया बनाने का, तो सेम चीज़ पे ही उसने क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेट किया। और ये सोयाबीन की सब्जी है, सोयाबीन की है और बिल्कुल रेस्टोरेंट रेसिपी है, आप दे देंगे सारा रेसिपी है इसका, मैं आपको पूरा वीडियो इसमें अटैच कर दूँगा दोस्तों। और ढेर सारा लाइक करिएगा हमारे मैडम जी के लिए, और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, मैं भी खा के आपको दिखाता हूँ कि कैसा बना है। दोस्तों दिखाते हैं कैसा बना है, स्वाद हम भी लेके देखते हैं। मैं ऑफिस से आया तो उसने बताया ये बात, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट का स्वाद है दोस्तों, बहुत ही चीपेस्ट, और घर में इसने सिर्फ कलाकारी करी है, बिल्कुल सब्जी नहीं रहने पे आप ये सब सोयाबीन तो रखा ही रहता, और ज़्यादा देर नहीं, बस 15 मिनट में रेडी होता है, 15 मिनट में सब्ज़ी रेडी हो जाएगी दोस्तों, मैडम भी बीच बीच में बता ही रही है। तो अब बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्वाद रहेगा दोस्तों, बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है, डिलीशियस है दोस्तों। तो आप क्या कहते हैं, ढेर सारा लाइक करता है और कमेंट करिए दोस्तों। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि दोस्तों।